रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। आज गिनी की लाइब्रेरी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब है। इसका नाम है अ डेट विद नंबर्स। लिखी है विकास ओम प्रकाश गोयल ने। विकास इज एन एलुमनस ऑफ XIM भुवनेश्वर। बहुत पढ़ाई करते हैं। आई थिंक मैथ्स इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो उन्होंने किताब निकाली है। हाँ, आपको यह किताब का नाम सुनना चाहिए, डेट विद नंबर्स, 2000+ इंटरेस्टिंग इक्वेशंस एक्सप्रेसिंग ईच डेट ऑफ द ईयर। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। 1 January से लेकर 31 December तक आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, व्हाटएवर योर डेट, उन्होंने बताया है कि हर नंबर को, हर डेट को कितने यूनिक तरीकों से आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, 1 January, ओके, इज 1/1। 11 इज आल्सो द फर्स्ट 2-digit प्राइम नंबर। मतलब हर डेट को मैथमेटिकली आप कैसे कैसे कर सकते हो। 11 का स्क्वायर इज 1:1, विच इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? 1:1 को आप लेफ्ट साइड से पढ़ो या राइट साइड से पढ़ो, द नंबर रिमेन्स द सेम। सो ही इज डन दिस फ्रॉम 1 January टू 31 December। आई थॉट इट वाज फैसिनेटिंग, एंड इसीलिए आज मैं विकास को अपने स्टूडियो में लेकर आई। विकास, मैथ्स इंटरेस्टिंग चीज होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है। मैथ्स को इसके पीछे एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरी भांजी की है, तो सी इज इन क्लास 9। अच्छा, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि विकास तू मैथ्स में अच्छा है, तो एक बार इसको थोड़ा सा मैथ्स में दे दे, ये बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ती है, मैथ्स नहीं पढ़ती है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा मैथ्स क्यों पसंद नहीं है? बोले मामू ये मैथ्स बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, नंबर्स है, हमारे पास जो कैलकुलेटर है हम सब कुछ आराम से कर सकते हैं। तो व्हाई डू आई नीड टू लर्न, व्हाई आई नीड टू रिमेंबर सो मच फॉर्मूलास? मैंने कहा नहीं, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बोले कम ऑन मामा, यू नो यू शो मी हाउ इट इज इंटरेस्टिंग। तो मतलब उस पर तो चैलेंज खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कि आज आपका बर्थडे है तो 24th आप जैन, तो ये नंबर कुछ इंटरेस्टिंग है। बोले प्रूव मी दैट नंबर इज इंटरेस्टिंग। मैं कहा 2+4+0+1 7 होता है। 7 का स्क्वायर करो 49 का स्क्वायर करो 2401, वही नंबर वापस से आ गया। मैंने कहा आपकी जो डेट है, बर्थ डेट है, वो स्पेशल तो है, प्लस साथ में इंटरेस्टिंग भी है, मैंने उसमें थोड़ा सा मैथ्स मिला दिया। 24 January उसका बर्थडे है, विच इज 2401। 401 को ऐड करो तो 2+4 = 6, 6+0+1 = 7, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 का स्क्वायर इज 2401। यस, डिड यू रियलाइज दैट हर नंबर की कहानी हो सकती है? इन्होंने पूरी किताब लिख दी है इसके ऊपर। इसी को आज डिस्कस करेंगे, आज गिनी की लाइब्रेरी में विकास की किताब अ डेट विद नंबर। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट। इसके चैप्टर्स हैं हर डेट, 1 January, 2 January, 3 January, 4 January टिल द 31 December। ही इज एक्सप्रेस्ड हाउ एवरी डेट इज स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग मैथमेटिकली। 24 January जब अपनी भांजी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जहां से कहानी किताब की शुरू हुई थी, 24 January, 2+4+1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401, विच इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। मेरा बर्थडे इज ऑन 10th August, 1008। टेल मी समथिंग स्पेशल। इफ यू सी द 10th ऑगस्ट इज 10/8, तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो 1 का पावर 1 is 1, 2 का पावर 2 is 4, 3 का पावर 3 is 3 to the power of 3, 27. So 1 × 4 × 27, that's the number 108. That's the birth date. What? 1008, right? So 10/8. 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4 × 27 नंबर आ गया। इट इज एज सिंपल एज 1 2 3। डूड, मतलब हर नंबर के पीछे कहानी हो सकती है। एक रैंडम डेट लेते हैं, 8 September। 8 September को हम 89 अगर लिखते हैं, तो 89 को लिख सकते हैं यूजिंग द सेम डिजिट्स, 8 × 9 दैट इज 72 प्लस 8 + 9, तो सेम नंबर को यूज करके हमने 89 बनाया है। ठीक है, और एक इस पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हेलिन्स लॉ कहते हैं जिसको हम, कि हर 89th प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्विंस रिजल्ट करती है। तो मतलब ट्विन होने की अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज द प्रूवन फैक्ट बाय हेलिन्स लॉ। ओके, ट्विंस होने की संभावना क्या है? तो 1/89। सिमिलरली ट्रिपलेट होने की संभावना क्या है? तो 1/89 square। क्वाड्रुपल्स होने की संभावना क्या है? तो 1/89 cube। यस, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट बाय हेलिन। मैंने एक रैंडम डेट पिक करी, 8 September, उसके पीछे इतना कुछ हो सकता है। डिड यू नो दैट? वेरी इंटरेस्टिंग, अ डेट विद नंबर्स, 2000+ इंटरेस्टिंग इक्वेशंस एक्सप्रेसिंग ईच डेट ऑफ द ईयर। जिसको लिखा है विकास गोयल ने, हु इज एब्सोल्युटली अ मैथमेटिकल नर्ड। आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड विद दिस गाय। विकास, आपको कितनी देर लगी है किताब लिखने में, 1 January to 31 December जाने में?
ऑलमोस्ट मुझे वन एंड हाफ ईयर्स के आसपास लिखा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, सो ओवर दी वीकेंड आई वॉज एबल टू स्पेंड टाइम. इस पे भी कुछ मैथ्स डाल सकते हैं कि वीक के अंदर 168 आवर्स होते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली 68 आवर्स नेचुरल एक्टिविटी में स्पेंड करते हैं, 100 घंटे बचते हैं, 100 घंटे में से 60 घंटे में ऑफिस में स्पेंड कर रहा था, 40 घंटे बचे, 40 घंटे में से 20 घंटे में अपने घर को दे रहा था. अप्रोक्सीमेटली मतलब आप दिन में 1.25 घंटे अपने आप के लिए निकाल सकते. This is fantastic. He does everything mathematically, man. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रोबोट से बात कर रही हूँ. एक बात बता, लोगों के अंदर इतना डर pertaining to maths क्यों होता है बचपन से लेकर बड़े होने तक? It's all about fundamentals. क्योंकि अगर हम क्या होता क्या है कि हम रेस में दौड़ रहे होते हैं. जब रेस में दौड़ते होते क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कंसेप्ट को ओवरलुक करते हुए हम चीजों को याद करना शुरू कर देते, रटना शुरू कर देते. तो वो हमें इसमें याद नहीं रखना है. द ब्यूटी अबाउट द मैथ्स इज फॉरगेट एवरीथिंग, लाइक द वे यू प्ले पियानो, यू नो यू नीड टू फॉरगेट एंड देन यू नीड टू प्ले बाय हार्ट. सेम गोज विद द मैथ्स, यू नो नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मुलास, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द फॉर्मुला इज कमिंग फ्रॉम. If you get to the roots of anything, like it could be maths, you don't have to rectify it. It'll always be with you for life. जिंदगी और maths की philosophy same है. ये कभी आपने सोचा था? पर मोटा मोटी मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है इस पूरे शो के साथ कि आप कहीं ना कहीं एक किताब उठाओ, आपके अंदर वो curiosity बने, आप एक कहानी के बारे में सोचो and you want to pick it up. पिछले हफ्ते मैंने सुनाई थी आपको मुसाफिर कैफे की कहानी. बहुत सारे लोगों ने मुझे चिट्ठी लिखी, बहुत सारे लोगों ने सुधा और चंद्र की कहानी जानने की कोशिश करी, बट आई वॉज लाइक नहीं, पढ़ो किताब पढ़ो. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी किताब आई है जिसने कहीं ना कहीं आपको छुआ है, जिसके किसी कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज टेल मी अबाउट दैट बुक. आई लव टू हियर फ्रॉम यू. rjginni@gmail.com. और अगर आप इस समय सुन रहे हैं तो ट्विटर या इंस्टा पे प्लीज हिट मी अप, GINNIE. आई लव टू हियर फ्रॉम यू. आई लव टू हियर अबाउट योर बुक्स, योर स्टोरीज, योर कैरेक्टर्स. और अगर आपने खुद एक किताब लिखी है तो भी मुझे बताइएगा. अगर इन सभी किताबों में से कोई ऐसी किताब है जो आपको पसंद आई एंड यू'ड लाइक टू हैव अ कॉपी ऑफ इट, तो मेरे पास हर किताब की कुछ कॉपीज होती हैं जो मैं एब्सोल्युटली फ्री आपको भेजती हूँ. राइट इन टू मी, टेल मी विच बुक डू यू वॉन्ट एंड आई विल ट्राई एंड सेंड इट अक्रॉस. और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पहली किताब चाहिए एंड दीज आर द थिंग्स यू लाइक, राइट इन, लेट्स सी इफ आई कैन सेंड यू अ बुक. मेरा नाम गिनी, फिर मिलेंगे गिनी की लाइब्रेरी में, यही रेडियो सिटी पर. मुआ.